आदिवासी का जीवन है गांव और जंगल, विकास कहीं भी नहीं। सारे जमीन को खुदाई करके डंपिंग बना दो, गड्ढा कर दो, इतना हजारों साल से यहाँ इतना उपजाऊ भूमि उगल रही, कृषि प्रधान देश भारत जब बोला जा रहा है, उसको अगर हम लोग बर्बाद करने में सहयोग कर दें। जब से खदान आई है तब से इतना प्रदूषण की धूप के दिन में आएंगे देखेंगे तो पूरा ऐसे लगेगा कि पूरा कोयला ही कोयला चारों तरफ लगा हुआ है। हाँ, वो तो लोग बोलते थे कि जब यहाँ कंपनी आएगा, खदान होगा, तो यहाँ का बहुत ज्यादा विकास होगा। कहाँ से विकास, ये तो विनाश हो रहा है। रहते हैं गांव है तो कहाँ जाएंगे हम लोग छोड़ के, रहेंगे ही सोचते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार और घरखोड़ा ब्लॉक में 13 कोयला खदानें और 12 बिजली घर हैं। रायगढ़ जिला एक आदिवासी क्षेत्र है। खदानों की वजह से निवासियों को कई समस्याएं हुई हैं, बीमारियां, बेरोजगारी, विस्थापन और बिना प्रक्रिया के जमीन का अधिग्रहण। यहां पर बहुत सारा खदान है, जिंदल का है, निको का है, निको का पहले था, अभी नालको चला रही है उसको, और ये PGCAPL और मतलब अडानी अम्बुजा दोनों का है इधर। इस क्षेत्र में कम से कम अभी 7-8 माइने चल रही है और बड़ी बड़ी 3-4 माइन को और लाना है। अभी तो मतलब कमर्शियल माइनिंग की भी 2-3 माइन और खोलने की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र खत्म हो जाएगा। रायगढ़ जिला एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र माना है और यहाँ पे NTPC के भी कई कारखाने हैं और खास करके पावर प्लांट जैसे हैं और इस्पात के बहुत सारे प्लांट हैं। पूरे रायगढ़ शहर अभी वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति में नंबर 2 की स्थिति में है। यहाँ ये जिंदल खदान के चलते बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और लोगों को बीमारी भी फैल रहा है और बहुत जल्दी जो जिसका उम्र भी नहीं हो रहा है बीमारी के चलते बहुत ज्यादा मर रहे हैं। खदानों से लगातार फ्लाई ऐश निकलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। निवासियों का कहना है कि प्रदूषण ने खेती को बर्बाद कर दिया है और अब ज्यादातर लोग खदानों में ही काम करते हैं। बिजली घरों के प्रदूषण के अलावा तमनार ब्लॉक के निवासियों को हर दिन 5,000 से अधिक भारी कोयला ले जाने वाले वाहनों के चलते पार्टिकुलेट मैटर का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से कई सांस की बीमारियां लोगों में हो रही हैं। जैसे वहाँ डस्ट उड़ता है, ब्लास्टिंग होता है, गाड़ियां इतनी चलती है उसमें, मतलब गाड़ियां चलती है तो इतना प्रदूषण डस्ट उड़ने लगता है कि ऐसे लगता है कि मानो उधर से तूफान आ रहा है। जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधा भी नष्ट हो रहे हैं, जो हम लोग आदिवासी लोग खेती उती जो भी करते हैं वो भी सब नष्ट हो रहे हैं। लोमड़ी बोलते हैं वो बहुत सारे थे, भालू थे, कभी कभी हाथी उथी भी मिल जाते थे, चीतल उतल भी, खरगोश वगैरह, जंगली सुअर, जंगली बकरियों, वो सब अब कहाँ गायब हो गए पता नहीं। अब धुनी, अब ब्लास्टिंग हो रहा है बड़ा आम से, तो वो लोग उतने दूर में थोड़ी रहेंगे, कहाँ चले गए पता ही नहीं। यहाँ मजदूरी था ना उस समय, खेती था तो खेती से निर्भर थे हम लोग। मोहा झाड़ सब रही, अनेक प्रकार की मोहा झाड़ मोहा भी हम लोग करते थे, तो ये सब चीज करके यहाँ चल जाता था, लेकिन अभी वो सब चीज परेशानी हो रहा है। हम लोग का गांव देहात में जैसे होता है कि 2-4 महुआ जो भी सब्जी उब्जी लगाते हैं उसमें सब में डस्ट आके अपना कब्जा जमा लेता है, उसके बाद में वो फसल नहीं हो पाता। अभी 8-10 साल हो गया हम लोग का जो फसल होता था जंगली फसल हम लोग का, उसमें बहुत वृद्धि हो गई है, मतलब उत्पादन नहीं उसमें। पानी तो एकदम पानी जैसे नहीं दिख रहा है, एकदम काला कोयला जैसे दिख रहा है। आप कहीं भी जाओगे बहते पानी में पूरा कोयला निकल रहा है और उसी पानी को लोग उसी पानी को ला ला के लोग पी रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया भर का बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे तो फ्लाई ऐश का उत्सर्जन इतना ज्यादा होता है, 1 साल में 1,51,00,000 टन फ्लाई ऐश निकलती है 1 साल में सभी उद्योगों से, पावर प्लांट से। तो उद्योग वाले मानने वाले नहीं है, इतना तो लोग निपटान कर नहीं सकते हैं, फर्जी आंकड़े दे देते हैं कि सीमेंट उद्योग में भेजा पार्ट दिया, पटान में भेजा, लेकिन कहीं नहीं भेजते, जाके जंगल नदी नालों में फेंक देते हैं। अगर आप देखेंगे तो तमनार में
टीबी का जो ये है, आईसीएमआर की खुद की एक रिपोर्ट है, आईसीएमआर तो सरकारी संस्थान है, टीबी जो है वो नेशनल जो एवरेज है उससे ज्यादा है यहाँ का। मतलब देश में जो जितना, मतलब एक जगह पे टीबी जितना होता है, जितना प्रतिशत होता है, उससे 2 गुना ज्यादा इस जगह का है। क्यों? और मतलब इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह बिल्कुल से वहां पे, मतलब चाहे वो कोयले में से जो लग रही आग से जो धुआं निकलता है, फ्लाई ऐश है जो खदानों में से जो मतलब जो हवा का प्रदूषण हो रहा है, पानी में जो हो रहा है, उन सबको लेके मतलब वो टीबी बढ़ता है। मेरा अपना बता रहा हूँ, जो डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आया था तो रायपुर वाले डॉक्टर बोले तुम्हारे क्षेत्र में मैस है क्या, तो बोले तो हाँ, मैं बोला तो इसी वजह से ये तुम्हारा नाक कान गला का ना ये जो खराश है ये इसी वजह से नहीं जा रहा है, और सांस लेने में दिक्कत होता है, गर्मी में तो बहुत ही परेशानी है, बहुत ही परेशानी है। माने आदमी जो सही जगह का आदमी सही व्यक्ति आ जाए यहाँ ना, उस टाइम में ना तो देखेगा यहाँ के आदमी गाय भैंस की तरह जी रहे हैं। टीबी कुष्ठ डस्ट के बारे में बहुत ज्यादा आवाज उठाए हैं, कहीं जन सुनवाई में भी जाके हम लोग बोले हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, ना डस्ट को रोक रहे हैं, ना काम में कुछ साधन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो जहां पे जाओगे बोलोगे, शासन प्रशासन के पास जाओगे तो डराते हैं आदमी, वहां जाओगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, वहां क्यों जाते हो, और कंपनी के पास जाओगे तो बोलोगे हाँ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। अपने जनरेशन के हिसाब से तो परिवार तो पालना ही है जैसे तैसे करके। अब उस समय दाल रोटी खाते थे तो अब नमक मिर्च भी तो खा सकते हैं लोग, लेकिन अपने दुख को किसको सुनाने जाएंगे। गांव देहात के लोग ऐसे भी हिम्मत नहीं करते कि मीडिया के सामने हम बोलें या किसी मिनिस्टर के सामने हम बोलें, इन लोग को इतना हिम्मत नहीं रहता, और जो बोलेगा उसके ऊपर मतलब इन लोग दबाव डाल देते हैं जो कंपनी वाले हैं। जैसे आपका कलेक्टर के पास गए थे, पुलिस के पास गए थे, किसी के पास गए तो मतलब लोग भाई आके आप लोग को पूछताछ करेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ही को कमी है क्या। आप देखें कि रायगढ़ निवासियों को, रायगढ़ वासियों को केवल जहर मिल रहा है, जबकि फैक्ट्रियों के लगने से जो लाभ आसपास के क्षेत्रों को मिलना चाहिए, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे विकास के क्षेत्र में, लेकिन कभी भी किसी प्रकार को उनको लाभ नहीं मिल रहा है। केवल पूंजीपति, केवल बड़े लोग यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं और केवल लाभ उठाकर चले जा रहे हैं। क्या ये सब तरफ माइंस फैक्ट्री खदान कर दिया जाए तो एक दिन यहाँ से जो यहाँ के बच्चे होंगे वो कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। गांव वालों ने लगातार अपनी आवाज उठाई है और कुछ कानूनी जीत भी मिली है। मार्च 2020 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिंदल और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस साल जनवरी में एनजीटी ने अदानी ग्रुप के कोयला खदान प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दी थी। ये मंजूरी मोदी सरकार ने बिना पर्याप्त जनसंवाद के और लोगों के स्वास्थ्य पर असर का सही विश्लेषण किए बिना दी थी। लेकिन जीत के साथ कुछ हार भी हुई है। 13 अगस्त को मोदी सरकार ने अदानी ग्रुप के कोयला प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी को फिर से बहाल कर दिया। रायगढ़ के लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और लड़ाई जारी है। हम ये सफल हुए, अगर हमने कुछ काम किया उसमें 60% भी सफलता मिल जाती है, प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर पाते हैं तो हम अपने आप को सफल मानते हैं। पर वो कामयाबी बहुत टाइम तक वो नहीं हो पाती, क्योंकि फिर कुछ तरीका हो जाता है कि उस जो जो जीते या जो हुआ है उसको किसी तरीके से वापस मोड़ना। तो ये सतत लड़ाई है मुझे लगता है, और कामयाबी कई बार ये भी लगती है कि वो लड़ाई चालू है, और उसमें मतलब अगर आप 10 चीजों के लिए लड़ रहे हो तो 4 चीजें कम से कम हो जाती हैं, उन 4 चीजों का पालन होता है, बाकी 6 के लिए आप अभी भी लड़ रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं ना, अभी कोयला ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो अच्छा है कि कोयला ट्रांजिशन होगा, प्रदूषण बंद होगा, पर मेरा मतलब कहना फिर भी वो है कि एक से दूसरे में भी जाएंगे तो भी क्या लोगों की स्थिति बदलेगी, क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा ना तो पर्यावरणीय न्याय का कोई मतलब नहीं है। हमारा अधिकार है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लेंगे, तो वो तो किसी कंपनी का नहीं है, वो तो हमारा ही है, तो हम लड़के लेंगे और जीतेंगे लड़।